दोस्तों, मैं हूँ संतोष निगम और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैकबेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मंडे के मेरे मैजिकल लेवल्स, मेरे मंडे के प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही डिस्कस करेंगे तीन बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लिस्टेड हैं और 99% की एक्यूरेसी हमारे इन स्टॉक्स के साथ में बरकरार है। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो को। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आज के दिन के हमारे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसकी परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। सो बैंक निफ्टी में पहली 5 मिनट की कैंडल जो क्रिएट की थी दोस्तों, उसने एग्जैक्टली हमारे टारगेट 4 की तरफ जो है वो एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ था, जो कि मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में आप लोग के साथ में डिस्कस भी करते रहता हूँ कि जो भी लेवल्स में यहाँ पे आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ उसका जो टारगेट 4 होता है इंडेक्स के लेवल्स का और स्टॉक्स के साथ में टारगेट 3 जो होता है इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है, हाई चांसेस होते हैं यहाँ से रिवर्सल आने के। हम लोगों को बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल जो है वो देखने को मिला था हमारी मेजर मैजिकल लेवल 44,570 के लेवल को। एग्जैक्टली हम लोग को यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखा और जितने स्पीड से ये ऊपर गया था उससे डबल स्पीड से डाउनफॉल यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला। पी साइड में भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट्स इन लेवल के बेसिस पे आज हमें देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी के बारे में अगर दोस्तों बात करेंगे तो निफ्टी में भी हम लोगों को ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। कुछ टाइम इसने 19,681 के हमारी लेवल को स्पेंड किया और यहीं से एक अपट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन 19,810 का जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसके ऊपर निफ्टी बुलिश होने वाली थी, इस लेवल को ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। नो ट्रेड जोन से ही इसमें रिवर्सल जो है वो देखने को मिला था। सो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सीई साइड का ट्रेड और एक पी साइड का ट्रेड हम लोगों को दिखाई दे रहा है इस इंडेक्स पर। लेकिन दोस्तों, जो मंडे का प्रेडिक्शन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मंडे के ट्रेडिंग में हम लोग को देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आज का दिन का डे लो क्रिएट किया हुआ है निफ्टी ने और ये आज का क्लोजिंग प्राइस है। अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हम लोगों को दोनों प्राइस के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे दोस्तों, तो ये आज के दिन का बैंक निफ्टी का डे लो है और ये आज के दिन का इसका क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि डे लो और क्लोजिंग प्राइस जो है वो एक ही हम लोगों को आज के दिन में दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों इंडेक्स में जो तगड़ा क्रॉस कनेक्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं। किसी एक इंडेक्स में हम लोगों को बाइंग देखने को मिल जाएगी मंडे को, तो किसी में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा और ये हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग को जो बहुत ज़्यादा रिस्की बनाता है। आज मार्केट ओपनिंग होने से पहले ही मैंने आप लोग के साथ में इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस जो है वो करके रखा हुआ था कि इस टाइप का सिचुएशन हम लोगों को आज मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो जो सेफ प्लेयर्स है, जो नए ट्रेडर्स है, जिनके पास छोटा कैपिटल है, 8-10 दिन के लिए ट्रेडिंग या तो आप अवॉइड कर लीजिए। अब अवॉइड ट्रेडिंग करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे लोग गैम्बलिंग करते हैं वैसे हम लोग को ट्रेडिंग की आदत हो जाती है। ये सिर्फ आपको लागू नहीं है, ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, प्रो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी ये बात लागू है कि ट्रेडिंग को अवॉइड करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए, लेकिन ट्रेडिंग को अगर हम लोग अवॉइड नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट क्वान्टिटीज़ पर कंट्रोल हम लोगों को रखना है, क्योंकि बहुत बार बहुत रिटेल ट्रेडर्स का क्या हो जाता है, पहली चीज़ तो कुछ मालूम नहीं होता है, तब फंड्स तो बहुत होते हैं और जब बाद में सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए फंड्स ही नहीं होते, तो ये टाइप की सिचुएशंस भी आ जाते हैं। इसलिए क्वांटिटीज पे हम लोगों को कंट्रोल अपने रखना है। लार्सन एंड टर्बो आज के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक थी। टारगेट 1 इसने मॉर्निंग में हम लोगों को दिया था, उसके बाद में एक अपसाइड की रैली हम लोग को देखने को मिली। सी साइड में टारगेट 1 जो है वो देखने को मिला, हल्का सा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग को दोनों साइड में लेवल्स के बेसिस पे देखने को मिला। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बेसिस पे आप लोग प्राइस एक्शन पे यहाँ पे LT को ट्रेड करते थे तो बहुत ही अच्छा खासा अपट्रेंड हम लोगों को यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटीज़ थी। और अगर आप लोग को प्राइस एक्शन इतना नहीं पता है तो भी एक अच्छा टारगेट 1 वाला प्रॉफिट हम लोग को दोनों साइड में देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया आज के दिन की हमारी दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी। शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिला था, पी साइड में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना हम लोगों का। जैसे कि अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, स्टॉक का लेवल 3 और इंडेक्स का लेवल 4 इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है, तो बहुत ही अच्छी खासी वी शेप रिकवरी हम लोग को ब्रिटानिया में देखने को मिली, जिसमें हम लोगों को एक सी साइड में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइजेस काफ़ी बेयरिश आज के दिन में हम लोगों को दिखाई दिया,
प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे दो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में और मैजिकल लेवल्स के बेसिस पे इसको शॉर्ट कर सकते थे, जिसमें पीई साइड में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है। और कल एंड ऑफ द डे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ था कि बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें ट्रेड भी हुआ है, यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर जाएगा, या तो अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया तो फिर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम लोग को एक डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल जाएगा, जो कि पीई साइड में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को अदानी एंटरप्राइजेस में दे करके चला गया। ओवरऑल दोस्तों हमारी एक्यूरेसी 99% की इन स्टॉक्स के साथ में बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखने की। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी तो एक बार यूट्यूब को स्क्रॉल करके देख लीजिए और टेलीग्राम को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। पीवीआर आईनॉक्स मंडे की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक रहेगी। पहली चीज़ तो यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और दूसरी जो ट्रेड सेटअप बना है वो है हेड एंड शोल्डर का, जो कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन बेसिस पे एक्टिवेट हो जाएगा। यानी आइधर किसी भी साइड में मूव्स इस स्टॉक में पॉसिबल हैं, इसलिए हम लोग दोनों साइड के लेवल्स, दोनों साइड के प्रेडिक्शंस शेयर करके चल रहे हैं। 1761 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 1768, 1778 और 1790 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1750 स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है तो 1750 के नीचे वीक है, 1742, 1731 और 1720 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1761 स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है वो है टाइटन का। स्टॉक में एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और डाउनसाइड से बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि प्राइस जो है इसके बीच में कम्प्लीटली स्क्वीज हो चुका है। यानी कि आइधर किसी भी साइड में स्टॉक रेडी है ब्रेकआउट के लिए। 3295 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 3306, 3317 और 3331 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3284 स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है तो 3284 के नीचे वीक है, 3272, 3258 और 3247 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3295 स्टॉप लॉस रहेगा। और हीरो मोटो कल के दिन का हमारा तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक रहेगा। स्टॉक में एक हम लोगों को ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक फ्लैग पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अपसाइड में ब्रेकआउट कल मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हमें बता रहा है। 3107 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश रहेगा, 3118, 3135 और 3155 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3086 स्टॉप लॉस रहेगा। इनकी स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है तो 3086 के नीचे वीक रहेगा, 3075, 3060 और 3044 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3107 स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे। क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है।
इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट चार्ट्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बात करने जाए हम लोग हमारे मंडे के मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में, तो मंडे के लिए हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट जो है वो दिखाई दे रहा है जिसका आज इसने सपोर्ट क्रिएट किया हुआ था। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग, ये इसका जो डेलो है आज का और क्लोजिंग प्राइस ये है जो कि काफ़ी दूर है आज के डेलो से, लेकिन बैंक निफ्टी का डेलो और क्लोजिंग प्राइस एक ही है जो एक बेयरिश सेंटीमेंट्स मार्केट में हम लोगों को दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है जो कि मंडे की हमारी ट्रेडिंग को वोलाटाइल बना सकता है, यानी कि कोई एक इंडेक्स में अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है वही दूसरे इंडेक्स में स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक क्रिएट करने के बाद में, पुल बैक का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ से ऊपर गया, एक पुल बैक क्रिएट किया, ऊपर गया, फिर पुल बैक क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, इसे पुल बैक कहा जाता है। तो उस बेसिस पे, थियोरी पे, वेव एनालिसिस पे निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड हम लोगों को एक्सपेक्टेड है, वही बैंक निफ्टी में एक बेयरिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, यानी कि किसी भी एक जो इंडेक्स है उसमें स्टॉप लॉस जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, आज मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग से पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो नए प्लेयर्स हैं कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग अवॉइड करना जो है वो कर दीजिए कम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली चीज़ तो ग्लोबल वॉर की न्यूज़ है जो मार्केट को नेगेटिव बना रही है, और नेगेटिव न्यूज़ है लेकिन फिर भी आज मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग कहिए या फिर ट्रैपिंग कहिए वो मोमेंट हम लोगों को देखने को मिले, यानी कि मार्केट किसी भी वन साइडेड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, लोगों को लगेगा पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है, हम लोग पॉजिटिव साइड में जाएंगे, ट्रैपिंग नेगेटिव साइड में होगा, हमें लगेगा कि न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है और आज के जैसा उसी लेवल पर हम लोग को ट्रैपिंग देखने को मिलेगा, इसीलिए क्वांटिटीज़ को रिड्यूस करना जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल मार्केट का मेरा मंडे का व्यू कम्प्लीटली बेयरिश रहेगा, बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोगों को इंट्राडे के लिए मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 100% कैपिटल हम लोगों को डिप्लॉय कर देना है सिंगल ट्रेड पे, क्योंकि मैंने अभी भी आप लोग के साथ में डिस्कस किया कि ऐसे लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग लोग करते हैं न्यूज़ बेसिस पे, नए लोगों को एक दो बार इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो भी जाता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और वो और अच्छी क्वांटिटीज़ के साथ में ट्रेड करते हैं, और यही वो जगह होती है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स का वॉल्यूम एग्जीक्यूट हो सकता है, और इसीलिए इन्हीं लेवल्स पे ट्रैपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। मार्केट ओवरऑल यहाँ पे बेयरिश रहने के मेरे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रहे हैं, लेकिन मंडे को जाने को आज का दिन पकड़ करके और 3 दिन चल रहे हैं, आज फ्राइडे को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 3 दिनों में अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो ऑब्वियसली न्यूज़ की वजह से 10-15 मिनट में मार्केट के ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंट जो है वो हम लोग को चेंज होते हुए दिखते हैं। ओवरऑल लेवल के बेसिस पे हम लोगों को चलना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, प्रेडिक्शन भले ही सेलिंग का हो लेकिन मार्केट अगर यहाँ क्लोजिंग दे रहा है इसके ऊपर तो ऑब्वियसली बाइंग में ही जाएगा, सेलिंग जो है वो तो ऑब्वियसली इसी लेवल के नीचे हम लोगों को करना है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। 19,710 के नीचे निफ्टी यहाँ पे वीक रहेगी, 19,670, 19,635, 19,591 और 19,540 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 19,747 के ऊपर निफ्टी बुलिश रहेगी, 19,782, 19,826, 19,865 और 19,917 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं।
अब कुछ क्रॉस कनेक्शन हम लोगों को बैंक निफ्टी निफ्टी में आप लोगों को ट्रेंड लाइन देख करके ही समझ में आया होगा कि निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है और बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे चुकी है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। 44,200 के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक रहेगी। 44,124, 44,030, 43,926 और 43,859 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 44,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश रहेगी। 44,382, 44,500, 44,632 और 44,710 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मंडे के मेरे मैजिकल लेवल्स मेरे प्रिडिक्शन के साथ में, साथ ही डिस्कस किए बेहतरीन 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लिस्टेड है। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं दोस्तों, तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।